हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ ममता पर। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप और आपके फ्रेंड्स तक पहुंच पाए। तो आइए पनीर बटर मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 50 ग्राम बटर, 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, करीब 8 से 10 ब्लैक पेपर, 6 से 7 लहसुन, करीब 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 प्याज, 150 ग्राम कद्दू, ये ऑप्शनल है। अगर आप कद्दू का यूज करना नहीं चाहते हो तो एक प्याज और ले लीजिए। 1/3 बाउल काजू। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम टमाटर डाल देंगे। यहाँ मैंने 4 टमाटर लिया है। बीच बीच में हिलाते हुए 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। करीब 12 मिनट हो चुकी है। चेक करते हैं, कद्दू अभी भी थोड़ा सा टाइट है तो 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। 3 मिनट बाद सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक गई हैं। जब भी ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। प्याज टमाटर की मैंने पेस्ट बना ली है। सेम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेते हैं, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 1/2 मिनट सोते करने के बाद करीब 1/2 कप पानी ले लेते हैं। टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। गैस बिल्कुल ही स्लो रखेंगे ताकि मसाला जल ना जाए और अच्छी तरह से पक जाए। जब ये ऑयल अलग होने लगे हम ये अपनी पेस्ट में ले लेंगे। 1/2 कप पानी इसमें मिला के सारी पेस्ट ले लेते हैं। गैस मीडियम रखेंगे। हाफ टी स्पून चीनी मिला लेते हैं। स्लो गैस पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी मिला लेते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी मिक्स कर लेते हैं। दो से तीन मिनट और पकाएंगे। चेक कर लेते हैं,
खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। थोड़े से धनिया भी ला लेते हैं। अब हमारा पनीर बटर मसाला बिल्कुल ही रेडी है। पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेडी है। रोटी, नान, कुलचा किसी के भी साथ ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कुक टेस्टी, स्टे हेल्दी।